भगवान की कृपा की हिंदी कहानी। दोस्तों ये कहानी एक आदमी की कहानी है। आदमी हमेशा भगवान की पूजा करता था, उसे यकीन था कि एक दिन भगवान उसकी सारी समस्याएं दूर कर देंगे। पूजा पाठ में भजन कीर्तन में लगे रहने के बावजूद भी वो अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस नहीं कर रहा था। अगर वो अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव लाता तो उसकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती थी। और ये छोटे छोटे बदलाव आप अपने अंदर भी ला सकते हैं। बदलाव सिर्फ ये है कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, हमें मन से किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है। ईश्वर के जो नियम हैं हमें उन नियमों का पालन करना है। देखना ईश्वर हाथ पकड़कर आपको सारी समस्याओं से दूर ले जाएगा। आपके जीवन में समस्याओं का अंत हो सकता है और वो तभी संभव है जब आप ईश्वर के बताए रास्ते पर चलो। उस व्यक्ति का जीवन नहीं बदल रहा था बल्कि समस्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक दिन वो मंदिर जाने का निर्णय करता है। मंदिर जाकर भगवान से कहता है, मैं रोज मंदिर नहीं आता हूँ लेकिन आज आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पूजा पाठ भजन कीर्तन करने के बाद भी मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। मेरी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। उस मंदिर के जो पुजारी बाबा थे वो उसकी सारी बातें सुन रहे थे। वो उस व्यक्ति के पास आते हैं और कहते हैं कि सच्चे मन से अगर तू ईश्वर की पूजा करता है तो तेरे अंदर बदलाव निश्चित आएगा। ये सुनकर व्यक्ति कहता है, नहीं आया। तब साधु बाबा बोलते हैं कि ईश्वर के बताए रास्ते पर चलता है। तब व्यक्ति बोलता है कि ईश्वर के बताए रास्ते क्या होते हैं। तब साधु बाबा बोलते हैं कि ईश्वर के बताए हुए रास्ते यही हैं कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, हमें किसी के साथ चीट नहीं करना है। मानवता और प्रेम अगर अपने दिल में रखोगे तो ये ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा होगी। लोगों के प्रति दयावान रहें, जिसकी मदद कर सकते हो, जिस हाल में कर सकते हो उसकी मदद करते रहें। अगर आज आप किसी की मदद करेंगे तो कल कोई आपकी मदद भड़कर करेगा। यही ईश्वर का नियम है, यही ईश्वर की मान्यताएं हैं। व्यक्ति की सारी बात समझ में आ गई थी। उसका मन दूसरों की बुराई में बहुत लगता था। अब उसने अंदर ही अंदर निश्चय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। और उसने उसी वक्त ईश्वर के सामने मन ही मन प्रण लिया कि आज के बाद मैं किसी से द्वेष नहीं रखूंगा, किसी की बुराई नहीं करूंगा, किसी के साथ चीट नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा। अपने घर चला गया। दोस्तों विश्वास जानिए, उसमें इतना बदलाव आया कि उसकी सारी समस्याएं चंद दिनों में ही काफूर हो गईं। समस्याएं जा सकती हैं लेकिन सच्चे मन से ईश्वर से जुड़कर तो देखिए। अगर द्वेष भावना वाला मन होगा तो बुराई कहां से जाएगी, बदलाव कहां से आएंगे। बदलाव चाहते हो तो ईश्वर की सत्ता में रहना आपको सीखना पड़ेगा, ईश्वर के नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। फिर देखना ईश्वर आपको वो सब देंगे जिनकी आपके जीवन में बहुत जरूरत है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।